और वहीं यूक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन की नई रणनीति सामने आई है। अमेरिका के दोस्तों को अपने पक्ष में करेंगे पुतिन। पुतिन ने अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की है। व्यापार, आर्थिक, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई है। तो क्या सऊदी अरब को रूस के और करीब लाने की मंशा है इसके पीछे पुतिन की? तेल बाजार की स्थिरता के लिए भी दोनों में ये जो चर्चा हुई है ये अहम मानी जा रही। तो इस खबर के बाद ये समझना जरूरी है कि रूस और अरब की दोस्ती के आखिर मायने क्या क्या हैं। आपको हम समझाएंगे बिग बॉल पर पॉइंट वाइज। देखिए, अगले हफ्ते ओपेक देशों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। रूस के नेतृत्व में ओपेक देशों की ये मीटिंग होगी और इसलिए रूस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। सऊदी अरब ओपेक प्लस का सदस्य है। रूसी तेल पर यूरोपीय संघ का प्रतिबंध लगा हुआ है और अरब ने तेल उत्पादन में कटौती का ऐलान इससे पहले किया था। रूस के फायदे के लिए फैसला लेने की आशंका भी बढ़ जाती है, यानी कि अब अरब देशों का जो फैसला होगा वो रूस के पक्ष में हो सकता है और इसलिए रूस और अरब की दोस्ती बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।